हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग इंग्लिश विद जीनत। आज मैं कराऊंगी पास्ट परफेक्ट टेंस की वीडियो। मैंने पार्ट फर्स्ट एंड पास्ट सेकंड करा दिया है, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूस। ये पार्ट थर्ड है। अगर आपने पार्ट वन एंड पार्ट सेकंड नहीं देखा तो गाइस प्लीज़ उस वीडियो को देख लें, देन थर्ड पार्ट देखें, ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। यूज़ ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं? चुका था, चुके थे, या चुकी थी, या चुको तो, ये वे खा चुका था, वे पढ़ चुका था, वे सो चुका था। इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। यदि भूतकाल में दो कार्य हुआ हो, भूतकाल में दो कार्य हुआ हो, एक कार्य दूसरे कार्य के बहुत पहले पूरी तरह समाप्त हो गया हो, एक कार्य जो पूरी तरह समाप्त हो गया हो, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग होता है, और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग होता है। सबसे पहले, यदि भूतकाल में दो कार्य हुआ हो, एक कार्य दूसरे कार्य के बहुत पहले पूरी तरह समाप्त हो गया हो, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग किया जाए, और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सीखें। अब किस तरीके से प्रयोग करना है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिए हुए मैंने, जैसे आई हैड गॉन। पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी? हैड। आई हैड गॉन, ये सिंपल है। इंडो निगेटिव में बनाएंगे तो आई हैड नॉट गॉन, आई हैड नॉट गॉन। इंट्रोगेटिव में हैड आई गॉन, इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे? आई हैड गॉन। और डब्ल्यू एच फैमिली में बनाएंगे, डब्ल्यू एच फैमिली में वाई हैड आई गॉन, वाई हैड आई गॉन। सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? प्रोनाउन, जैसे ही शी इट, या नाम, नाउन, नाम होता है नाउन। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? मैंने कुछ फॉर्में लिए, फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकेंड फॉर्म एट, एंड थर्ड फॉर्म ईटन। ईटन हमारी थर्ड फॉर्म है, ये हम पास्ट परफेक्ट में यूज़ होगी। फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। रीच, रीच्ड, रीच्ड। गो, वेंट, गॉन। कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी गाइस। पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है हमारा? सिंगुलर में बनाएंगे तो हम, मैं खा चुका था, मैं खा चुका था। सब्जेक्ट है हमारा आई, खाने की क्रिया हो रही है ईटन। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है? थर्ड। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। प्लूरल में बनाएंगे तो हम लोग खा चुके थे, हम लोग खा चुके थे। हम लोग वी है, वी यूज़ होगा, तो वो क्या है मैं? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड। ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हम लोग खा चुके थे, वी हैड ईटन। सेकेंड पर्सन, आप खा चुके थे। यू कहा गाइस? सिंगुलर में भी यूज़ होगा और प्लूरल में भी यूज़ होगा। आप खा चुके थे, यू हैड ईटन, यू हैड ईटन। आप लोग खा चुके थे, यू हैड ईटन, यू हैड ईटन। थर्ड पर्सन, वे या राम खा चुका था। ही शी इट राम, ये हमारे क्या है? नाउन एंड नाउन एंड प्रोनाउन। हैड ईटन, ही शी इट राम हैड ईटन। वे लोग या लड़के खा चुके थे। दे द बॉयज हैड ईटन, दे द बॉयज हैड ईटन। अब मैंने अलग से ही सेंटेंस लिए, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। अब सब्जेक्ट क्या है? थीफ। हमारे क्या सब्जेक्ट? थीफ माने होता है चोर, इंग्लिश में थीफ। और हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड। फ्लैट भाग चुका था, किसकी क्रिया हो रही है? भागने की। फ्लैट इंग्लिश में कहते हैं फ्लैट अवे, फ्लैट अवे, भाग चुका था, फ्लैट अवे। और पहले के लिए यूज हुआ है गाइस बिफोर, पहले बिफोर। द पुलिस केम, मतलब कि वह भाग चुका था। द थीफ, थीफ हैड फ्लैट अवे बिफोर द पुलिस केम। पुलिस के आने से पहले
चोर भाग चुका था। द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। सेकेंड इज घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। सब्जेक्ट हमारा फ्रेंड्स आई हेल्पिंग वर्ब हैड। पास्ट परफेक्ट में ओनली हैड ही यूज होगा फ्रेंड्स। और रीच्ड मतलब पहुंचना। वर्ब क्या हो रहा है? पहुंचने की। रीच्ड पहुंचना। कहां पहुंच चुका था? स्कूल। क्या बन घंटी बजने से पहले वह स्कूल पहुंच चुका था। आई हैड रीच स्कूल बिफोर द बेल रैंग। घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुँच चुका था। I had reached school before the bell rang. I had reached school before the bell rang. Third is, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। क्या? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। रोगी को इंग्लिश में कहते हैं पेशेंट और मरना डाइड। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। सेकेंड फॉर्म है ये कम की। उसने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। क्या? उसने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। ही हैड ऑलरेडी पहले ही ऑलरेडी कम्प्लीटेड पूरा करना। क्या? अपना काम हिज वर्क। उसने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। ही हैड ऑलरेडी कम्प्लीटेड हिज वर्क। ही हैड ऑलरेडी कम्प्लीटेड हिज वर्क। फिफ्थ इज मेरे आने के पहले वे जा चुका था। मेरे आने के पहले वे जा चुका था। जाने की क्रिया गॉन। ये गो की थर्ड फॉर्म है गॉन। पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। मेरे आने के पहले वे जा चुका था। ही हैड गॉन बिफोर आई केम। मेरे आने के पहले वे जा चुका था। ही हैड गॉन बिफोर आई केम। बचपन से तेज थे। क्या? तुम बचपन से तेज थे। यू हैड बीन इंटेलिजेंट सिंस योर चाइल्डहुड। बचपन को इंग्लिश में कहते हैं चाइल्डहुड और तेज को इंग्लिश में कहते हैं इंटेलिजेंट। तुम बचपन से तेज थे। यू हैड बीन इंटेलिजेंट सिंस योर चाइल्डहुड। सेवेंथ इज मेरे आने से पहले राम सो चुका था। सोना हमारा वर्ब है। थर्ड फॉर्म इसकी क्या है? स्लैप्ड। मेरे आने से पहले राम सो चुका था। राम हैड स्लैप्ड बिफोर आई केम। मेरे आने से पहले राम सो चुका था। राम हैड स्लैप्ड बिफोर आई केम। एट इज उसके आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था। उसके आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था। समाप्त को इंग्लिश में कहते हैं फिनिश्ड। अपना काम माई वर्क। उसके आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर आई केम। उसके आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम। अब निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। पहले हमने सिंपल सेंटेंस में यूज़ किया हैड का, अब हम निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। अब सेंटेंस देख लेते हैं। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भागा था। मतलब कि पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भागा था। द थीव हैड नॉट फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। फ्लेड अवे होता है भागना। द थीव हैड नॉट फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भागा था। द थीव हैड नॉट फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। सेकेंड इज घंटी बजने के पहले मैं स्कूल नहीं पहुंचा था। सब्जेक्ट क्या हमारे फ्रेंड्स? आई। हेल्पिंग वर्ब है हैड, उसके साथ नॉट का यूज होगा। रीच्ड थर्ड फॉर्म है वर्ब की। पहुंचना ये हमारी क्रिया है। स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। एक्सेप्ट्रा बिफोर द बेल रिंग। घंटी बजने के पहले मैं स्कूल नहीं पहुंचा था। आई हैड नॉट रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रिंग। आई हैड नॉट रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रिंग। थर्ड इज डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मरा था। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मरा था। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर द डॉक्टर केम। फोर्थ इज उसने अपना काम पहले ही पूरा नहीं किया था। ही हैड नॉट ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज टास्क। उसने अपना काम पहले ही पूरा नहीं किया था। ही हैड नॉट ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज टास्क। ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज टास्क। मेरे आने के पहले वे नहीं गया था।
ही हैड नॉट गॉन बिफोर आई केम, मेरे आने के पहले वो नहीं गया था. ही हैड नॉट गॉन बिफोर आई केम, ही हैड नॉट गॉन बिफोर आई केम. तुम बचपन से तेज नहीं थे, पहले हमने सिंपल सेंटेंस में तेज थे, अभी नेगेटिव सेंटेंस में बना रहे हैं. तुम बचपन से तेज नहीं थे. यू हैड नॉट बीन इंटेलिजेंट सिंस योर चाइल्डहुड. सेकंडली यूज रेफरेंस सिंस यू हैड नॉट बीन इंटेलिजेंट सिंस योर चाइल्डहुड. मेरे आने से पहले राम नहीं सोया था. राम हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले राम नहीं सोया था. राम हैड नॉट स्लेप्ट Before I came, Ram had not slept before I came. उसके आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया था. I had not finished my work before he came. उसके आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया था. He had not finished my work before he came. उसके आने से पहले मैंने काम अपना समाप्त नहीं किया था. I had not finished my work before he came. वो हम interrogative sentence में use करेंगे past perfect का. सबसे पहले helping verb use होगी. Helping verb क्या है हमारी? Had. Interrogative sentence में सबसे पहले helping verb use होती है. Helping verb had. Plus में subject, then plus subject का use होता है. Plus verb की third form had plus subject plus verb की third form. और sentence देख लेते हैं. क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था? अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था. तो सबसे पहले क्या है यूज हुआ? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड. फिर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? मानो चोर, मतलब थीफ. फ्लैड अवे हमारी वर्ब है. थर्ड फॉर्म यूज हुई है इसकी हमारी, फ्लैड अवे. और बिफोर मतलब आने से पहले, द पुलिस के मतलब एक्सेट्रा. Had the police fled away before the police came. पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था. Had the thief fled away before the police came. Second is, क्या घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था? तो सबसे पहले क्या यूज हुआ? हमारी हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड. फिर सब्जेक्ट मतलब मैं. आई. रीच्ड हमारी वर्ब है. वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच. रीच्ड. स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. बिफोर द बेल रिंग हमारा एक्सेट्रा. क्या घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था? हैड आई रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रिंग. घंटी के बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था. हैड आई रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रिंग. थर्ड इज, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था? हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. क्या डॉक्टर के आने से के पहले रोगी मर चुका था? Had the patient died before the doctor came. Had the patient died before the doctor came. Fourth is, क्या उसने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था? अपना काम मतलब अपना टास्क. क्या उसने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था? Had he already completed his task? क्या उसने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था? Had he already completed his task? हम negative sentence में use करेंगे. Interrogative sentence को negative sentence में use करेंगे. सबसे पहले helping verb. Helping verb है हमारी had plus में subject. Subject के साथ use होगा not का. Plus में verb की third form. Verb की third form use होगी. अब sentence देख लेते हैं कैसे बनेंगे. क्या मेरे आने के पहले वे नहीं गया था? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज हुई हमारी हैड. हैल है हमारी हेल्पिंग वर्ब. ही हमारा सब्जेक्ट है. वे मतलब ही. और ही के साथ क्या यूज हुआ है? नॉट का. गॉन हमारी गो की थर्ड फॉर्म है, मतलब जो क्रिया हो रही है. ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट है आई. एक्सेट्रा केम. क्या मेरे आने के पहले वे नहीं गया था? Had he not gone before I came? Had he not gone before I came? Second is, क्या तुम बच्चे से बचपन से तेज नहीं थे? Subject वो you. और helping verb क्या हमारी? Had. ये subject के साथ क्या use हुआ? Not का. Plus में been. Intelligent हमारा object हो गया. Except हमारा childhood. Your childhood. क्या तुम बचपन से तेज नहीं थे? Had you not been intelligent since your childhood? Seventh is, क्या मेरे आने से पहले राम नहीं सोया था?
हेड राम नॉट स्लैप्ड बिफोर आई केम, क्या मेरे आने से पहले राम नहीं सोया था? हेड राम नॉट स्लैप्ड बिफोर आई केम। एट इज, क्या उसके आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया था? हैड आई नॉट फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम, क्या उसके आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया था? हैड आई नॉट फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम, बिफोर ही केम। अब हम डब्ल्यू एच फैमिली में यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट का। सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, वैन, कब, वाई, क्यों और हाउ, कैसे एक्सेट्रा का प्रयोग। वैन, वाई, हाउ, ये हमारी डब्ल्यू एच फैमिली है। प्लस में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी हेल्प, प्लस में सब्जेक्ट और प्लस में वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। अब सेंटेंस देख लेते हैं। पुलिस के आने से पहले चोर क्यों भाग चुका था? तो हमारी डब्ल्यू एच फैमिली यूज हुई। डब्ल्यू एच फैमिली के हमारे वाई, हेल्पिंग वर्ब हमारे हेड और सब्जेक्ट हमारा द थीफ और फ्लैट अवे भाग चुका था, ये हमारी वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बिफोर द पुलिस केम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। पुलिस के आने के पहले चोर क्यों भाग चुका था? व्हाई हैड द थीफ फ्लैट अवे बिफोर द पुलिस केम। पुलिस के आने के पहले चोर क्यों भाग चुका था? व्हाई हैड द थीफ फ्लैट अवे बिफोर द पुलिस केम। सेकेंड इज, घंटी बजने के पहले मैं स्कूल कैसे पहुंच चुका था? कैसे के लिए यूज हुआ है हाउ। हाउ हमारी डब्ल्यू एच फैमिली है, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है और मैं हमारा सब्जेक्ट मतलब आई, रीच हमारी वर्ब है। घंटी बजने के पहले मैं स्कूल कैसे पहुंच चुका था? हाउ हैड आई रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रिंग, घंटी बजने के पहले बेल रिंग। हाउ हैड आई रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रिंग। थर्ड इज, डॉक्टर के आने के पहले रोगी कैसे मर चुका था? हाउ हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब कि आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने के पहले रोगी कैसे मर चुका था? हाउ हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। फोर्थ इज, उसने अपना काम पहले ही क्यों पूरा कर लिया था? Why had he already completed his task? उसने अपना काम पहले ही क्यों पूरा कर लिया था? Why had he already completed his task? अब हम निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट का डब्ल्यू एच फैमिली में। When, why, how एक्सेट्रा का प्रयोग। When, why, how ये हमारी डब्ल्यू एच फैमिली है, प्लस में had, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के साथ नॉट का यूज होगा, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड एक्सेट्रा। अब सेंटेंस देख लेते हैं। फिफ्थ, तुम बचपन से तेज क्यों नहीं थे? अब क्यों के लिए यूज हुआ है फ्रेंड्स वाई, हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड और सब्जेक्ट हमारा यू मतलब तुम, और यू के साथ क्या यूज हुआ है फ्रेंड्स नॉट। इंटेलिजेंट हमारी वर्ब है और एक्सेट्रा योर चाइल्ड हुड, तुम बचपन से तेज क्यों नहीं थे? Why had you not been intelligent since your childhood? Why had you not been intelligent since your childhood? Sixth is, मेरे आने के पहले वे क्यों नहीं गया था? मेरे आने के पहले वे क्यों नहीं गया था? अब हमारी डब्ल्यू एच फैमिली यूज होगी। सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली हमारी why और हेल्पिंग वर्ब हमारी had, सब्जेक्ट हमारा वे मतलब कि he के साथ क्या यूज हुआ फ्रेंड्स नॉट, वर्ब है हमारी गॉन मतलब गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट हमारा आई एक्सेट्रा हमारा केम, मेरे आने के पहले वे क्यों नहीं गया था? व्हाई हैड ही नॉट गॉन बिफोर आई केम, व्हाई हैड ही नॉट गॉन बिफोर आई केम। सेवंथ इज, मेरे आने से पहले रीना कैसे नहीं सोई थी? मेरे आने के से पहले रीना कैसे नहीं सोई थी? हाउ हैड रीना नॉट स्लैप्ड बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले रीना कैसे नहीं सोई थी? हाउ हैड रीना नॉट स्लैप्ड बिफोर आई केम, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है केम। उसके आने से पहले मैंने कैसे अपना काम समाप्त नहीं किया था? How had I not finished my work before he came?
वर्ब की थर्ड फॉर्म है हमारी फिनिश्ड, और क्योंकि परफेक्ट है इसी वजह से हमारी केम भी यूज हुआ है इसमें, ये भी हमारी वर्ब है। उसके आने से पहले मैंने कैसे अपना काम समाप्त नहीं किया था, हाउ हैड आई नॉट फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम। उम्मीद है फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करना फ्रेंड्स मत भूलना ताकि उन्हें भी टाइम पर अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।